हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जो अभी दिसंबर 2022 में हुआ है। वो कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, ग्रामर में क्या पूछा गया था, पूरे पेपर का पैटर्न क्या है। और प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर कर दिया करो, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी में। आप शेयरिंग कर नहीं रहे बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है मुझे, और ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, वो भी लर्न कर सके और अच्छे मार्क्स ले सके, तो प्लीज़ शेयर किया करो। 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है, टाइम है 3 घंटे का, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं और 4 का आंसर करना है हमें। फर्स्ट है कमेंट ऑन द नैरेटर ऑफ द नॉवल कंथापुरा, करवा रखा है ये भी। नैरेट द मिथ अबाउट गॉडेस कंचम्मा डिसेंड फ्रॉम हेवन, इसके बारे में क्या मिथ था ये भी करवा रखा है। फिफ्थ सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रखा है स्टूडेंट्स, उसमें से वो जो सिलेबस करवाया गया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और पास होना बेहद आसान है। अगर फिफ्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल रही तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेना वहाँ से। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट लीड्स टू नरसम्मास मूर्तिज मदर डेथ, ये भी लिखवा रखा है। हु इज़ पटेल रंगा गाउडा, ये भी लिखवा रखा है। वॉट काइंड ऑफ मैन वॉज हंटर साहिब द ओनर ऑफ कॉफ़ी इस्टेट। हाउ इज सेविका संघ फॉर्म्ड इन द विलेज, ये सारे क्वेश्चन 6 के 6 क्वेश्चंस पे वीडियो बना रखी है कंथापुरा शॉर्ट क्वेश्चंस करके, और वही आए हुए हैं। डिस्कस कंथापुरा एज ए नॉवल ऑफ इंडियन फ्रीडम मोमेंट, ये भी लिखवा रखा है। कमेंट ऑन द लैंग्वेज नैरेटिव स्टाइल एंड लिटरेरी मेरिट्स ऑफ कंथापुरा, इनमें से आपको एक करना था, आप ये लिख देना। और क्वेश्चन नंबर 3 है वो है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये कंथापुरा में से पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के हमें इसके आंसर देने हैं। टोटल 6 आंसर हैं और 6 नंबर का ही है क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स का अभी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ है, होना बाकी है, वो प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके देखें, ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, आपको बहुत बेनिफिट देगा ये। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स विद रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। पर्सोनिफिकेशन करवा रखा, हाइपरबली, मेटाफर, सिमिली, एल्यूजन, ये सारे के सभी पे वीडियो बना रखी हैं। लिटरेरी टर्म्स के नाम से भी एक वीडियो मिलेगी आपको फिफ्थ सेमेस्टर में। पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, मेटाफर, सिमिली और एल्यूजन की अलग से भी थर्ड सेमेस्टर में भी आए थे, उनमें भी वीडियो बना रखी है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एज मेंशनड। जॉन इज हैप्पी इन हिज प्रेजेंट क्लास, जॉन इज हैप्पी इन क्लास विच इज हिज प्रेजेंट क्लास। द मैन नियर मी इज माई ब्रदर, द मैन Who is near me? The man who is near me, my brother. नहीं सॉरी, ये ऐसे बनेगा The man who is my brother near me. I was the first to hear the news. I was the first who hear the news. To everyone's surprise, the project completely failed. The project completely failed and everyone surprised. Besides educating his nephew, he also set him up in business. Compound sentence banana tha iska. Isme hum direct yahan se likh denge. He educated his nephew and set him up in business. Notwithstanding several efforts, he failed. He made या he did several efforts, but failed. Complete the following sentences using a noun clause. आप इनको compound, complex और simple sentences पे भी fifth semester में video बना रखी है, clauses topic पे भी video बना रखी है, conditionals कौन कौन से होते हैं इस पर भी video बना रखी है। आपको full 2-3 घंटे का chapter learn करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा, हर सिलेबस की एक लिमिट होती है और उन वीडियोस में बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस करवाया गया है फिफ्थ सेमेस्टर का, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर वॉच करें, आपके लिए बहुत
आपको बढ़िया भी लगेगा, लर्न करके भी बढ़िया लगेगा। जब आप पेपर खुद लिखोगे तब भी इतना अच्छा फील करोगे कि हाँ सच में हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो ऐसे यूँ ही नहीं है कि बस सिर्फ। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स को कि सिर्फ पेपर को कंप्लीट वो ऐसे भरा हुआ दिखाने के लिए लिख देते हैं, लेकिन आप उन वीडियोज़ को देखोगे वो रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए। आप सारा ग्रामर सोल्व कर पाओगे उनकी हेल्प से, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी बन जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको बहुत ही बेटर तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। प्लीज़ डू वॉच ऑल वीडियोस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ए नाउन क्लॉज, कंडीशनल्स भी हो सकते हैं। वॉक्स लॉ लेस्ट, वॉक्स लॉ लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन होता है, यू शुड फेल। I would rather die than beg. आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। He laughed at. यहाँ पे हमें क्लोज लगानी है। He laughed at when I failed in class. कुछ भी क्लास में हम लिख सकते हैं। He laughed at me when I was failed in my exam, या फिर जो भी आपसे बने। It is true that, इसमें भी हम क्लोज लगा सकते हैं, क्लोज ही लगाएंगे। It is true that the earth revolves around the sun. If you work hard, you will pass. ये सारे आपको करवा रखे हैं, सारी वीडियोज़ इतनी छोटी छोटी, इतनी अच्छी अच्छी हैं, पाँच पाँच, कोई 8 मिनट की, कोई 10 मिनट की। If you had run fast, अगर तुम तेज़ दौड़े होते, you would not have missed the bus या train, जो भी आप लिखना चाहो। Combine the following pair of sentences so as to form defining and non-defining relative clause. Mohan has been working all day. He is now spent and exhausted. इसका हमें relative या non-defining clause अलग से वीडियो बना रखी है मैंने 5th semester में, defining और relative clause की। और देखो ये 6 नंबर की आई हुई है। मोहन हु हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे कॉमा इज नाउ स्पेंट एंड एग्जॉस्टेड। शी वॉज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हर मदर, शी वॉज बिजी टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर। who was busy talking to a stranger. नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज बॉस इज ए टीटोटलर, ही हैज़ नो पेशेंस विद ए टिपलर और ए स्मोकर इन द ऑफिस। यहाँ पे हम लगा देंगे हिज बॉस हु इज ए टीटोटलर हैज़ नो पेशेंस विद ए टिपलर और ए स्मोकर इन द ऑफिस। माय अंकल इज ए बिजनेसमैन, एवरी ईयर ही विजिट्स आवर विलेज। ये सेंटेंस का तो एग्जांपल भी बता रखा था उसमें। My uncle who is a businessman visits our village every year. Sentence number 5 का है, Mohan wants to see the Taj. He has never visited the Taj. Mohan wants to see the Taj which he has never visited. My car is very old. I want to sell my car which is very old. क्वेश्चन नंबर 6 है, डेवलप ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 100-150 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। ये स्टोरी को स्टोरी के बेसिस पे इसको डेवलप करना है। ये कुछ आउटलाइन दी गई है आपको, आउटलाइन से कैसे स्टोरी को डेवलप करें वो भी आपके वीडियो में बता रखा है, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। अगर आप सारा सिलेबस देख लेते हो एक बार, उस प्लेलिस्ट को 2-3 बार भी रिवाइज कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो इतना तो पक्का है आप सिर्फ पास ही नहीं होगे बल्कि अच्छी मार्क्स भी लेके आओगे। मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। इसकी प्रेसी बनानी है, प्रेसी कैसे बनाएं और किस तरीके से आप बेस्ट प्रेसी बना सकते हो, टाइटल किस तरीके से निकाल सकते हो, इस पर भी वीडियो बनाई हुई है। आपको सारी वीडियोज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोज़ को देखना और वीडियोज़ को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कर देना।